सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश और बैराजों से कई लाख क्यूसेक डिस्चार्ज पानी से प्रभावित इलाके में हाहाकार मच गया है। वहीं पर हजारों बीघे खेती और हजारों घरों में पानी जल पहुँच कर जलमग्न हो गए हैं। वहीं पर आपको बता दें करीब तकरीबन 50,000 आबादी प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौलोक के 28 मदरे और म्यूड़ी छलहा और वहीं पर रंडा कोड़न शिवतपुर दहला तक तकरीबन हजारों घरों में पानी पहुंच गया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जैसा कि आप स्पष्ट तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं पर तहसील प्रशासनिक अधिकारी उमाशंकर त्रिपाठी, तहसीलदार और उपजिलाधिकारी मनीष कुमार लगातार नजर गड़ाए हुए हैं स्थानीय लेखपाल और कानूनगो, और लगातार बाढ़ राहत सामग्री बांटी जा रही है, जो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं नावों से पहुंचाई जा रही है। जलमग्न रास्तों पर, सड़कों पर नावें लगाई गई हैं। पूरी तरीके से हाहाकार मचा है, लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं पर उच्च पलायन की ओर रुख करते नज़र आ रहे हैं, सड़कों पर डेरा डालते नज़र आ रहे हैं। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ से। और वहीं पर आपको बता दें कि जो पानी डिस्चार्ज हुआ वो इस प्रकार है। पूरी तरीके से आपको बताते चले कि जो शुक्रवार को पानी डिस्चार्ज हुआ 41,4,19,272 बनबसा से और 146,172 शारदा बैराज से, इस शुक्रवार को डिस्चार्ज हुआ 312,812 घाघरा बैराज से, कुल 878,256 क्यूसेक पानी शुक्रवार को डिस्चार्ज किया गया। वहीं पर आज शनिवार को घाघरा बैराज से 269,492 और शारदा बैराज से 172,114 और बनबसा से 207,930 पानी डिस्चार्ज किया गया है आज शनिवार को। वहीं पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, घरों में पानी भर गया है। बाढ़ राहत लगातार 4,000 लंच पैकेट आज भी बांटे गए हैं। वहीं पर रतनगंज में कटान भी हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।